बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th एंड मैट्रिक। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास क्वाड्रेंट गिवन है, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स to refers to the four quarters of the coordinate plane. ये जो quadrant होते हैं mostly mathematics में use होते हैं, जो कि चार quarters, चार हिस्से जो होते हैं coordinate plan में उसको refer कर रहे होते हैं. Recall that the coordinate plan has an x-axis that divided into a top and bottom half and a y-axis divided into a left and right half. कोऑर्डिनेट प्लान में दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर बेस्ड होता है, डिवाइडेड होता है। एक्स एक्सिस जो होते हैं वो टॉप एंड बॉटम हाफ पे डिवाइडेड होता है, और जो वाई एक्सिस होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट पर में डिवाइडेड होता है कोऑर्डिनेट प्लान में। टुगेदर दे क्रिएट द फोर क्वार्टर्स ऑफ द प्लान। जब एक्स एक्सिस लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम हाफ में और वाई एक्सिस लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइडेड हो जाते हैं, तो इस तरह ये चार क्वाड्रेंट प्लान बनाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लान, कोऑर्डिनेट प्लान क्या होते हैं? इज अ टू डायमेंशनल सरफेस ऑन विच वी कैन प्लॉट पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स। It has two scales called the x-axis and y-axis at the right angles to each other. दो dimensional surface होते हैं जहाँ पर plots point given होती हैं। उन points plots में एक lines और curves होते हैं। उसके दो scales बनाए जाते हैं, एक x-axis और y-axis पर वो जो right angles पे एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। x-axis. The horizontal scale is called the x-axis. As you go to the right on the scale from 0, the values are positive and get larger. As you go to the left from the 0, they get more and more negative. x-axis horizontal scale होता है, जिस अगर आप right scale right side के right side पर अगर आप 0 से start करें value, तो ये positive हो जाती है। अगर उसी स्केल के लेफ्ट साइड पर आप जाएं तो उसकी सारी जीरो से स्टार्ट करें तो एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। वाई एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस द वर्टिकल स्केल होता है, और एज यू गो अप फ्रॉम द जीरो द नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एज यू गो डाउन फ्रॉम द जीरो दे गेट मोर एंड मोर नेगेटिव। अगर आप वाई एक्सिस एक वर्टिकल स्केल होता है, अगर आप उस वर्टिकल स्केल के ऊपर जीरो से लेकर ऊपर इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन पर जाएंगे तो वो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर जीरो से लेकर आप उसको नीचे की तरफ से बॉटम की तरफ उसकी वैल्यूज जाएंगी तो इसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अगर x एक्सिस y एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। व्हेन x एक्सिस वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड y एक्सिस वैल्यूज आर पॉजिटिव, इट्स बिकम्स क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। इफ x एक्सिस माइनस एंड y एक्सिस पॉजिटिव हो तो ये क्वाड्रेंट 2 पे शो होगा। अगर एक्स एक्सिस माइनस पे हो और वाई एक्सिस भी माइनस पे हो तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगा। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस माइनस में हो तो ये क्वाड्रेंट 4 में शो होगा। अब इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे वैल्यूज पुट करके हम इसको थोड़ा क्लियरली डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखें एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने वैल्यूज पुट की हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस है। टॉप टू बॉटम हमारे पास एक्स एक्सिस है और लेफ्ट टू राइट हमारे पास
जो है y एक्सिस है, x एक्सिस जब पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव तो कोऑर्डिनेट 1 है, और y एक्सिस पॉजिटिव है और x एक्सिस माइनस में है तो कोऑर्डिनेट 2 पर है। अगर वैल्यूज 0 से लेकर देखिए -4 एक्स एक्सिस माइनस में है और माइनस में वाई एक्सिस है 0 टू बॉटम की तरफ जिसकी वैल्यू जा रही है -4 तो कोऑर्डिनेट 3 है, और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 4 में शो हो रही है वैल्यूज। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो उनको हम बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। 1 6, 1/7, 4/9 एंड 1 -1.7 एंड 3। 1 and 6 यानी कि x एक्सिस पर 1 positive 1 है और y एक्सिस पर positive 6 है। इसी तरह ये पॉजिटिव वैल्यूज और ये बहुत सारे गिवन है हमारे पास ये इस हिसाब से। अब हम इनको 1 by 1 क्वाड्रेंट चार्ट पे शो करेंगे। सॉल्यूशन, द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, x एंड y आर टेकन एज अंडर। पहले साइंस को आप लोग क्वाड्रेंट के जो साइंस को आप अच्छे से समझ लें, x एंड y की। अगर x भी पॉजिटिव, x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अगर x एक्सिस माइनस में और y एक्सिस पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 2 में आएगा। अगर x एक्सिस माइनस में और y एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगी वैल्यू, और अगर x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में है तो ये क्वाड्रेंट। लेट्स द पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन थे 1 6, दोनों पॉजिटिव है x एक्सिस एंड y एक्सिस तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। 1/7, 4/9 दोनों पॉजिटिव है x एक्सिस एंड y एक्सिस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1.7 एंड 3 यानी कि x एक्सिस माइनस पे है और y एक्सिस पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -4, -4 मतलब y एक्सिस माइनस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -√3 ये भी x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस माइनस पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। x एक्सिस माइनस में है और y एक्सिस भी -7 और -3.2 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे शो होगा। 7/2 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव यानी x एक्सिस पॉजिटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -√3/3 -1/7 तो थर्ड क्वाड्रेंट पे x एक्सिस भी माइनस में है और y एक्सिस भी माइनस में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 57 दोनों पॉजिटिव है, x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। पॉजिटिव x एक्सिस माइनस y एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। x एक्सिस पॉजिटिव एंड y एक्सिस -72 y एक्सिस पर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। 1.7 x एक्सिस एंड y एक्सिस -2.7 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1 -11 थर्ड क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 x एक्सिस एंड -1.3 y एक्सिस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहां पर गिवन है, टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ प्रॉपर ग्राफ पेपर। अब हम क्वाड्रेंट का तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट में कैसे आएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे, फोर्थ जो क्वाड्रेंट हमारे पास प्लान बन रहा था वो हमने शो किया। अब इसको ग्राफिकली कैसे पेपर पे प्रिंट करेंगे या लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, 4 6 यानी 4 एक्स एक्सिस और 6 वाई एक्सिस पर दोनों पॉजिटिव हैं। 6 एक्स एक्सिस पर और 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस। 1/2 एक्स एक्सिस, 1/2 वाई एक्सिस, 1 एक्स एक्सिस और 3 वाई एक्सिस पर है और सारी वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है। मींस के ये ग्राफिकली सारे जो ये चारों पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लोकेट होंगे। सो अब ग्राफ हमारे पास सामने है, x एक्सिस देखें और y एक्सिस टॉप टू, x एक्सिस जो टॉप टू बॉटम और y एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकली गिवन है और हॉरिजेंटल हमारे पास x एक्सिस गिवन है। 4
सिक्स, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है फोर एंड सिक्स, तो यहाँ पर आप जीरो से काउंट करें, जीरो वन टू थ्री एक्स एक्सिस और सिक्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पर हमारा फोर सिक्स जो है वो लोकेट करेगा ग्राफिकली। फोर एक्स एक्सिस पर आप काउंट करेंगे जीरो से लेकर जीरो वन टू थ्री फोर, और सिक्स वाई एक्सिस पर देखेंगे आप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फोर एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स एंड टू, सिक्स एक्स एक्सिस और टू वाई एक्सिस पर, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जीरो वन टू वाई एक्सिस पर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ लोकेट करेगी, सही है। अब वन अपॉन टू, वन अपॉन टू मीन्स के जीरो और वन के बीच में हाफ वैल्यू है ये हमारी, और y एक्सिस भी वन अपॉन टू और x एक्सिस भी वन अपॉन टू, मीन्स के दोनों जो जीरो सेंट्रल वैल्यू है वो जीरो है, जीरो और वन के बीच की हाफ वैल्यू है ये, तो ये हमारी यहाँ पर लोकेट करेगी। वन एंड थ्री, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है वन x एक्सिस पर और थ्री y एक्सिस पर, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। सही, ग्राफिकली हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेशन दी है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर ये कहाँ पर लोकेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, पार्ट टू है इसका, माइनस थ्री फोर यानी x एक्सिस माइनस पे है, y एक्सिस पॉजिटिव है, माइनस टू माइनस फाइव टू माइनस फोर कॉमा वन, और फिर फोर माइनस फोर अपॉन फाइव वन अपॉन टू, माइनस टू अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव, माइनस वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू। अब ये x एक्सिस माइनस पे जा रही है और y एक्सिस पॉजिटिव है, मीन ये सेकेंड कोऑर्डिनेट पर ये सारी पॉइंट्स लोकेट करेंगी। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि सेकेंड कोऑर्डिनेट पर आप थोड़ा फोकस करिएगा, जीरो वन टू थ्री यानी जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आप अपवर्ड जाएंगे जीरो वन टू थ्री फोर, तो हमारी पहली वैल्यू जो है वो यहाँ लोकेट करेगी माइनस थ्री एंड फोर। नेक्स्ट पॉइंट है माइनस फाइव एंड कामा टू यानी माइनस एक्स एक्सिस, फाइव एक्स एक्सिस और टू वाई एक्सिस, तो जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव, और वाई एक्सिस पर जीरो वन टू, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास माइनस फोर एंड प्लस वन, तो ये हमारी माइनस जीरो वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और वन जीरो वन हमारे वाई एक्सिस पर ये लोकेट करेगा, तो ये हमारी यहाँ वैल्यू लोकेट करेगी। नेक्स्ट माइनस फोर फोर अपॉन फाइव और माइनस वन अपॉन टू और माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस टू अपॉन फाइव और माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू प्लस पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास गिविन है, इनको मैं आपके लिए होमवर्क पर छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग इसको जब ग्राफिकली खुद लिखेंगे और आप मुझे कमेंट पर इसके आंसर जो है वो आप सेंड करेगा कि ये कहाँ पर ग्राफिकली शो करें, ताकि हम क्योंकि जब तक आप इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस हिसाब से। तो ये आपको मैं प्रैक्टिस के हिसाब से जो तीन रिमेनिंग हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है ये मैं आपको होमवर्क पर दे रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ग्राफिकली शो करके सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए इज इक्वल टू एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड टू ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू एंड ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड b is equal to x that is x belongs to integer and minus 6 is greater than less than minus 3. Find a into x, b into a and plot these sets on a graph paper. a is equal to हमारे पास natural number 2, 3, 4, 5 जैसे कि ऊपर हमारे पास 2 से greater than or equals to हो और 5 से greater less than or इक्वल्स टू हो, तो हमारे पास टू थ्री फोर फाइव आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास बी इंटीजर्स नंबर माइनस फोर एंड माइनस फाइव, तो ये ए और बी के दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग यूनिट्स में हम लोग सेट जो है हम लोग सॉल्व किए हुए थे वैसे ही एक सेट बन गया टू कॉमा माइनस फोर, टू माइनस फाइव ये सब सेट है ऑफ
ए और बी के 3 और माइनस 4, 3 माइनस 5, 4 माइनस 4, 4 माइनस 5, 5 और माइनस 5, 5 माइनस 4। अब ये हमारे पास ए इंटू बी का सेट गिवन हो गए। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखें इन ये इसका जो ये y एक्सिस जो है वो माइनस में और x एक्सिस पॉजिटिव में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। तो क्या आप लोग मुझे इसकी जो है वो एक्चुअल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी सेंड करें कमेंट में, ताकि आपकी जितनी भी ग्राफिकली आप लोग इसमें पुट डाउन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर होगी। ये मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया है कि ये जो सारे पॉइंट्स जो है क्वाड्रेंट 4 में ही आएंगी, लेकिन आप ये कहाँ कहाँ लोकेट करेंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोग ग्राफ में शो करेंगे और वाई एक्सिस पर भी आप 0 से लेकर शो करेंगे। अब 2 और माइनस 4 कहाँ ग्राफिकली लोकेट करेगा और एक्चुअल पॉइंट वो आपने मुझे कमेंट में सेंड करके भेजने हैं। ये आपका सेकंड होमवर्क है। सॉल्यूशन टू बी इनटू ए, आपके पास वही सेट गिवन है बी इनटू ए, और यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस माइनस पर आ रहा है और वाई एक्सिस टू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट 2 में शो होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इस बात को एक हिंट दिया हुआ है कि ये कौन सा सेट बनेगा और कहाँ पर ये लोकेट करेगा। अब आप इसको मुझे एक्चुअल ग्राफिकली जो है लोकेशन डॉट प्लॉट्स बनाकर और ये पॉइंट मुझे वहाँ पर लोकेट करके कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच plotted on the graph paper as shows and below. What are the coordinates of the origins O? The signs of the coordinates of P, Px are taken as under quadrant जो है x and y, quadrant है positive positive, quadrant 4 1 में आएंगे, minus plus है तो second में आएंगे, minus minus है तो third में आएंगे, plus minus है तो fourth में आएंगे। अब the coordinates of the points A to H and O are given as under A is equal to minus 9 or 10 or B is equal to minus 7 or 6, C is equal to minus 8 and minus 8, D is equal to 3 minus 3, E is equal to 10 and 9, F is equal to minus 2 minus 10, G is equal to 3 and 6, H is equal to 8 and minus 5 or O means ke 0, 0, yani origins point per given hai. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसकी, देखेंगे यहाँ पर माइनस 9 और 10 जो है वो एक्स एक्सिस माइनस पर है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, और ये देखिए माइनस 7 है और 6 पॉजिटिव है तो ये भी इसी सेकंड में आएगा, माइनस 8 और माइनस 8 बोथ आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज माइनस, तो ये थर्ड में आएगा, 3 एंड माइनस 3 एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो ये फोर्थ में आएगा, माइनस 10 और 9 है, माइनस 10 यानी कि एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये 10 और 9 पर यानी कि 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 x एक्सिस और 9 में आप y एक्सिस को देखेंगे तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा स्पॉट इस पे, माइनस 2 माइनस 10 यानी कि x एक्सिस भी माइनस पर है और y एक्सिस भी माइनस पर है तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा, 3 एंड 6 बोथ आर पॉजिटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा, 8 एंड माइनस 5 8 इज पॉजिटिव x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड y एक्सिस इज माइनस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो करेंगे, लास्ट इज O ओरिजिन पॉइंट 0 एंड 0 तो ये ओरिजिनल पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट इज ओरिजिनल पॉइंट जहां पे 0 वैल्यू 0 0 यानी x एक्सिस इज आल्सो 0 एंड y एक्सिस 0 ये ओरिजिनल पॉइंट होती है, ये यहां पर 0 पर शो होता है जहां x एक्सिस और y एक्सिस आर मीट टुगेदर,
are together with each other. So both our points are 0, 0. Values are 0, 0. ये स्पॉट्स हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज शो की हैं वहाँ पे हम लोग थोड़े से ये पॉइंट्स से शो करेंगे ताकि आपको और क्लियरली. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट ऑन कमेंट्स एंड लाइक अवर पेज एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस. थैंक यू सो मच.